हे व्यूअर्स, बीज बोने से लेकर के सब्जियां तोड़ने का सफर मेरे साथ कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल कनिष्ठा द मल्टीटास्कर। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हाँ वेल, ये कुछ ज़्यादा हो गया। हीरे मोती तो नहीं, पर हम उगाने वाले हैं आने वाले सीज़न यानी कि गर्मियों की सब्जियां हमारे टेरेस गार्डन पे। अगर आप भी उगाते हैं मेरी तरह अपने घर में, पोट में या छत पे या अपनी क्यारियों में अपने घर में सब्जियां, तो आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीज बोने से लेकर के सब्जियों पर से फल तोड़ने तक का सफ़र आप मेरे साथ कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं A to Z चीज़ों के बारे में, जो होंगी किचन गार्डनिंग के रिलेटेड, और कैसे आपको पौधों को उगने के बाद उनकी केयर करनी है, 3G 2G कटिंग कैसे करनी है, किस समय कटिंग करनी है, कौन सा खाद देना है आपको, किस तरह से सब्जियों को तोड़ना है, फिर आपको गुड़ाई वगैरह कब करनी है, ये सब जानकारी मेरे साथ अगर आप चाहते हैं और ये सफ़र सब्जियों का मेरे साथ करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि मैंने अपने किचन गार्डन को थोड़ा सा अपग्रेड किया है। पहले मैं सब्जियाँ उगाती थी ग्रो बैग्स के अंदर। ग्रो बैग्स में आप भी सब्जियाँ उगाते होंगे, लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ग्रो बैग्स में सब्जियाँ उगती हैं, काफ़ी मिलती हैं, लेकिन उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं मुझे झेलने पड़े। तो बहुत मैसी रहता है, बरसात के टाइम में बहुत सारे कीड़े वगैरह आ जाते हैं, स्नेल वगैरह चिपक जाते हैं उस पर। दूसरी बात, छत हमारी हमेशा गीली रहती है। तीसरी बात, वो बहुत मैसी लगता है छत पर, ऐसे रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। और चौथी बात, वो कुछ दिनों बाद उसकी कोई लाइफ नहीं होती, दो साल तीन साल बाद वो फट जाएगा। तो मैंने एक परमानेंट चीज़ बनवा ली है मेरी छत पे। इस तरह की मैंने दो बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनवा ली हैं इस बार, और इनमें ही मैं उगाऊंगी अपनी सारी की सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ। जैसा कि आपने देखा, मैंने मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कर ली है। मिट्टी का मिश्रण मैंने पहले से तैयार कर लिया था। इसमें मैंने आप अगर मिट्टी का प्रॉपर मिश्रण जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट करें, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। और इसमें बेसिकली मैंने कोकोपीट और गोबर की खाद और आपकी गार्डन सोयल वो मिलाई है मैंने। मैं इस तरह से इस कैरी के दो पार्टीशंस कर रही हूँ, क्योंकि एक पार्टीशन में उगाने वाली हूँ सब्जियाँ जो कि उग करके बाहर की तरफ जाने वाली हैं, जाल की साइड जाने वाली है, और इस तरफ की कैरी पूरी खाली रहने वाली है। तो उसमें कुछ छोटे पौधे मैं लगाना चाहती हूँ, थोड़े बहुत भिंडी के लगा दूंगी। अभी तो मेरे पास इतने ही बीज अवेलेबल हैं। तो मेरे पास ये करेले के बीज हैं और ये घिया है, दो तरह की घिया है मेरे पास है, एक गोल वाली घिया है, एक लंबी वाली घिया है, और थोड़े बहुत भिंडी के बीज हैं। बीज थोड़े कम हैं इस बार मेरे पास, जितने भी हैं, लेकिन इनसे ही हम काम चलाएंगे। करेले की बेल मैंने काफ़ी बो रखी, पीछे आप देख सकते हैं। बीज को बोते समय आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए, बीज का जो पतला वाला पार्ट होता है नीचे, उस वाले पार्ट को हमेशा आपको नीचे की तरफ से उसको बोना है इस तरीके से, ताकि जो सैपलिंग जो है बीज के अंदर उसको निकलने में थोड़ी आसानी हो। अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद अपने बीजों को आप इस तरह से लगभग 2 इंच ज़मीन के नीचे ऐसे गाड़ दीजिए। मिट्टी आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, यही एक कंडीशन है। हल्का सा उस पर मिट्टी डाल के उसको ढक दीजिए, और आपको इतना गैप रखना है, कम से कम भी आपको 1 फीट का गैप तो एक बेल को देना ही पड़ेगा। और डिपेंड करता है कि आपकी डेप्थ कितनी है आपके कंटेनर की, आप जिसमें बो रहे हैं, कम से कम भी आपको 2 से 2.5 फीट की डेप्थ तो होनी ही चाहिए, ज़्यादा हो सकती है तो और भी अच्छा है। तो मैंने तो ये क्यारी बनवा ली परमानेंट अभी, तो मुझे अभी डेप्थ की कोई टेंशन नहीं है, आराम से जड़ें जो है नीचे ही जाएंगी, वरना जड़ें वहीं पे गोल गोल घूमने लग जाती हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सीजनल सब्जियाँ होती हैं हमारी गर्मियों की, उनके बीज बोने का सबसे राइट टाइम कौन सा होता है। जो फरवरी महीने का मिड होता है, 15 मिड लगा लीजिए आप अप्रोक्सीमेटली, मिड से लेकर के फरवरी एंड तक, जब मौसम हल्का गर्म हो जाता है, सर्दी ख़त्म होने को लगती है, वसंत ऋतु आ जाती है, आने को होती है, तो उस टाइम पे हमें बीज बो देने चाहिए। देखिए, ये जो बीज होते हैं इनको उगने के लिए हल्की गर्मी भी चाहिए होती है। गाजर मूली की तरह ये बीज ठंडे मौसम में नहीं उगेंगे, तो हल्की गर्मी और हल्का मॉइस्चर दोनों ही चीज़ें इनको बराबर मिलनी चाहिए, तभी ये बीज प्रॉपरली उगते हैं। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, अपनी पूरी मिट्टी को सॉफ्ट कर लीजिए। सॉफ्ट करने के बाद उसमें 2 इंच की गहराई पर 1.5 फीट की गैप के साथ अपनी बेलें आप बो सकते हैं। आपके पास बड़ी क्यारी है तो, अगर आपके पास एक पोट है तो एक पोट में एक ही बेल उगाइए आप। छोटा पोट है तो उसमें आप एक ही तरह के पौधे उगाइए, वरना वो न्यूट्रिशन की लड़ाई करेंगे। तो अगर आपके पास बड़ी क्यारी है तो आप एक तरह से इस तरह से उगा सकते हैं कि आधी क्यारी में आप घिया उगा लीजिए, आधी क्यारी में आप दूसरी कोई सब्जी उगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे बीज जो है बहुत सॉफ्टली डाल दिए हैं मिट्टी के अंदर, और वो जा चुके हैं अभी अपने नए सफ़र की ओर, आने वाले नन्हे नन्हे पौधे उनके अंदर से निकल के अभी सोए हुए हैं अभी अंदर बीज के
उनको जगाना है अब हमें ठंडा ठंडा पानी डाल के उनके ऊपर हल्के हल्के रोज आपको उनके ऊपर पानी ऐसे स्प्रिंकल करना है। ध्यान रहे कि बहुत तेज़ी से पानी नहीं डालना है, नहीं तो बीज हिल जाएंगे। अगर हिलते रहेंगे तो बीज कभी उगेंगे ही नहीं। बहुत सॉफ्टली पानी डालना है आपको, मेक श्योर कि कोई भी मोमेंट बीज की ना होने पाए। बहुत ही तेज़ पानी उसे नहीं मारें आप, प्रेशर से पानी ना मारें। और रोज़ आपको उनको गीला करना है, मिट्टी सूखने ना पाए। आपको मॉइस्चर रखना है पूरी की पूरी मिट्टी को। तो मैं हर रोज़ इसमें थोड़ा 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 पानी डाल देती हूँ सुबह में। और आप भी बो दीजिए ये वाले बीज। जो बीज मैंने आपको दिखाए ना, आपने देखा होगा कैसे ऑरेंजिश कलर के थे। इनके ऊपर जो होता है एक रूटनिंग हार्मोन लगा होता है, कुछ तो वो लोग लगाते हैं जिससे कि रूटिंग बहुत प्रॉपरली होती है। तो ऐसे वाले बीज ही आप प्रॉपरली खरीदिए, ऑनलाइन बीज मत मंगवाइए। ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे, वो लोग देते हैं पर वो बीज कभी भी उगते नहीं है, इसलिए ऑनलाइन बीज मंगवाने का प्रेफरेंस मैं आपको नहीं दूंगी। देखिए दो मेरी करेले की बेल हैं, इनको आप स्वयंभू बेल भी कह सकते हैं। स्वयंभू मतलब जो खुद प्रकट हुई हूँ। जी हाँ, ये खुद प्रकट हुई हैं, अपने आप से हुई हैं। शायद पिछले साल का कोई बीज क्यारी में गिर गया होगा और ये अभी मैं अच्छे से देखभाल कर रही हूँ इनकी, और इनको मैं अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ। सो मैंने बीज बो दिए हैं, फरवरी महीना जाने से पहले आप भी बीज बो दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।